شاهين. भाई आगे की जो भी अपडेट होती है आपको देते हैं। अभी रास्ते में हूँ। आज इस वीडियो के जरिए मैं हमारे सीनियर अधिकारी, चाहे इसमें इन्वॉल्व जो सीओ साहब हैं, कमांडर साहब हैं, डिप्टी साहब हैं, या हमारे एसए सीनियर जेसीओ या सुबदार मेजर साहब हैं, उन सब से कहना चाहता हूँ, आज जो एफआईआर होनी थी होल्ड हो गई है। लेकिन ये है कि ये नहीं सोचना कि होगी नहीं, जरूर होगी। सोमवार को कोर्ट के माध्यम से हमने वकीलों से बात हो रही है, कोर्ट में केस होगा, फिर आप लोग चक्कर काटोगे। याद कर लेना जैसे 17 जाट का केस हुआ था, दिल्ली हाई कोर्ट में रिट लगी थी बंदे की गुमशुदा की, 1 महीने तक रेजिमेंट का नॉर्थ गुम हो गया था, कभी कहीं उस बंदे को ढूंढते ढोले थे, पर फिर वो सीओ साहब और सारे बोलते थे राजीनामा करा दो, हाथ जोड़ते थे। तो हम नहीं चाहते कि हमारे आगे सीनियर हाथ जोड़े, हम आप लोगों को हाथ जोड़ रहे हैं, आप हमारे सीनियर हो, आप अपनी ड्यूटी निभाओ, अपने कर्तव्य का पालन करो, जो कुर्सी आपको जवानों के वेलफेयर के लिए दी गई है उस पर काम करें, ना कि अपने वेलफेयर के लिए जवानों का दुरुपयोग करें। मैं नहीं चाहता कि कोई सीनियर हमसे रिक्वेस्ट करे, हम से रिक्वेस्ट करके एक बार नहीं, मैं तो अभी भी आपको जिससे भी हाथ जोड़कर 100 बार प्रार्थना कर सकता हूं अपने जवानों के लिए, लेकिन जब गांठ फंसती है और मामला कोर्ट तक पहुंच जाता है फिर आप हाथ जोड़ते हो, वो हमें अच्छा नहीं लगता। आज मैं बता रहा हूं कहानी क्या है और क्या नहीं। इतना फिर कहना चाहूंगा हमारे जवान भाइयों से कि अफसर अफसर हमेशा एक होते हैं और ये एक दूसरे की मदद करते हैं, लेकिन हमारा जवान कोई फंसता है तो हमारे जवान आज, हाँ इतनी मुझे खुशी है कि आज हम गए तो वहां पुलिस स्टेशन में वहां हमारा एक एक्स आर्मी का जवान मिला, उसने हमारी खूब मतलब बढ़िया मदद की, सिर्फ फौजी होने के नाते। दूसरा हमारे एक वहाँ जितेंद्र जी है, उन्होंने भी एक टीम को बता दिया था कि जरूरत पड़ेगी तो, वो हमारी पुरुष सैनिक संगठन की टीम है, 10-20-50 आदमी चाहिए तो वहाँ आ जाएंगे, अगर धरना देना पड़ा जी आर सी का आगे तो वो भी दे देंगे। उसके अलावा जो कड़ियाँ मिली हुई हैं, जहाँ जहाँ हमारे सैनिक भाइयों के द्वारा हमारी मदद हुई बहुत बढ़िया तरीके से हुई, लेकिन इस मदद को थोड़ा सा बड़े रूप में रखो, क्योंकि ये घटना आज नायक योगेंद्र के साथ हो रही है, या जैसे वो आसाम राइफल के जवान के साथ हुई है, और भी जवानों के साथ जो बड़ी चीजें हो रही हैं वो कल आपके साथ भी हो सकती हैं। हो सकता है आप रिटायर हो गए, आपका बच्चा जाएगा उसके साथ होगी, आपके भाई के साथ होगी, ये नहीं सोचना कि अब मैं आ गया मेरे को क्या लेना है, वहां आपके और हमारे ही बच्चे जाएंगे, और ये जो गुलामी का सिस्टम है ना, हम मिलकर खत्म कर सकते हैं। आप छोटी छोटी चीजों के लिए कॉल करते हो, हम चाहते हैं कि वो छोटी छोटी चीजों को छोड़कर इन बड़ी समस्याओं पर ध्यान दें, और चाहे वो सहायक प्रथा के मुद्दे हों, कुत्ते घुमाने वाले, घरेलू काम वाले, या फालतू में 10 नंबर भरकर सूखा घर भेजना, अफसरों की तानाशाही के खिलाफ हम लड़ रहे हैं। अगर इस मुहिम में आप हमारा साथ देना चाहते हो तो ये चैनल आपका है, चैनल से जुड़े और लोगों को जोड़ें, और सबसे बड़ी बात इन चीजों के लिए फिर कहता हूं कि बार बार जब तन मन धन की आवश्यकता पड़ती है तो धन का नाम सुनते ही वीडियो यहां से छोड़ देते हैं, तो वीडियो न छोड़ें, वीडियो को पूरा देखें, हो सकता है आप मदद नहीं कर सकते, कोई दूसरा भाई मदद करेगा, वीडियो देखकर शेयर जरूर कर दें। अगर हो सकता है कि आपको लगता है कि भाई हाँ हमें आज इस चैनल की मदद करनी चाहिए, इन भाइयों की मदद होगी तो कल जब आपकी भी बारी आएगी तो कोई आपकी भी मदद करेगा, ठीक है। ये मेरा नंबर है 82-90-35-45-13, मेरा कॉलिंग, व्हाट्सअप, फोनपे सभी इसी नंबर पर है। फोलिंग इसलिए कि कहीं भी अभी तक नायक योगेंद्र की कोई सूचना हमारे पास नहीं आई है, अगर कोई आपके पास सूचना हो तो इस नंबर तक जरूर भेज दें, व्हाट्सअप कर दें, और फोनपे और पेटीएम इसलिए कि इन चीज़ों के लिए कहाँ से कहाँ जाना, चीज़ों को हाईलाइट करना, या और बहुत से काम हमारे पास आ रहे हैं उनके लिए तन मन धन की आवश्यकता होती है, तो आपका भाई रविंद्र फौजी इतना बड़ा टाटा बिरला नहीं है कि वो अकेला सब कुछ करे। आप लोगों की छोटी छोटी मदद आप महीने 2 महीने में जो भी कर सकते हो करते रहो, ताकि भविष्य में आपके लिए भी कोई लड़ाई लड़ सके। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं रविंद्र फौजी
साथियों, मुझे पता है आप सभी को इंतजार होगा कि सर आपने कल कहा था कि कल हम एक एफआईआर लॉन्च करेंगे सेवन जाट के सीओ के ऊपर और जेआरसी के सेंटर कमांडेंट, डिप्टी कमांडेंट, एडम कर्नल, एसएम साहब और एसए के खिलाफ। कारण था कि हमारा सेवन जाट का एक जवान जो कि नायक योगेंद्र पिछले चार दिन से 25 तारीख से लगाकर 29 तारीख तक सेंटर के गेट पर वो सुबह 10 बजे आता था और रात को कभी सड़क पर सो रहा था, कभी रेलवे स्टेशन पर सो रहा था। दिन भर इधर उधर से छोटा मोटा खाना वाना खाकर, नहीं तो भूख प्यास से हुआ, सुबह से 10 बजे तक गेट पर रहता था, जिसकी सूचना जिसके वीडियो में सारे डाल चुका हूं, मेरे इसी चैनल में आप देख सकते हो। लेकिन 30 तारीख से उसका मोबाइल स्विच ऑफ है, उसका ना तो अपने घर वालों से कोई संपर्क है, ना मेरे से संपर्क है, ना किसी भी आदमी से कोई संपर्क है। यानी हमारी तरफ से नायक योगेंद्र 30 तारीख से लापता है। और उसी के सिलसिले में मैंने उनके परिवार से बात की, उनकी वाइफ से, तो उन्होंने कहा कि जी हमारे यहाँ गांव घर में भी नहीं आया, रिश्तेदारी में भी हमने पता कर लिया और वो कहीं नहीं है, ना उनसे बात हो रही है। शाम को मेरी सबसे बात हुई उनके यूनिट से, इधर उधर से जहां भी मेरे सोर्स है मैंने बात किया, बोले जी वो यहां भी नहीं है बंदा। तो मैंने बताया था कि कल यानी आज सुबह हम वहां पहुंचकर और इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करेंगे। जैसा कि आपको पता है, मैंने भी कहा था कि मैं भी जाऊंगा वहां, तो मैं सुबह ही अपने घर से निकल चुका था वहां के लिए। मेरा यहां से लगभग 500 किलोमीटर के दूरी सेंटर तक की है और उनके परिवार वहां से थोड़ा नजदीक होने के कारण और कुछ चिंता परिवार को, उनकी वाइफ को, उनके पिताजी को, भाई को, पूरे गांव को ही चिंता थी कि कहीं ऐसा ना हो, कोई दुर्घटना ना हो। इसलिए वो लोग सुबह 4 बजे ही सेंटर के गेट पर पहुंच गए थे। उनका तो, उनकी जैसे वाइफ है, उनके हस्बैंड है, वो बच्चों को चिंता, उनके पिताजी को, मतलब पूरे परिवार को चिंता थी। मैं तो अभी से कुछ दिन से नायक योगेंद्र को जानता हूं और मेरे लिए तो एक वो जवान है, मेरी एक टीम मेंबर है। मेरे को खुद को कल से जब उसका फोन नहीं मिल रहा तो मेरे को खुद को पूरी रात नींद नहीं आई। एक तो वैसे ही आपको पता है राजस्थान में इस समय लाइट की ऐसी हालत चल रही है कि 12 बजे तक लाइट नहीं आई, और फिर उसकी चिंता में कि भाई बंदा कहीं ऐसा ना हो, कुछ खुद के दिमाग में कुछ गलत चीजें चल रही हो या इन अधिकारियों ने उसको कहीं छुपा दिया हो, उसके साथ मारपीट कर रहे हो, उसका मोबाइल ले रहे हो, तरह तरह की सोचें आ रही थी। रात भर मैं सो भी नहीं पाया। तब भी मैं सुबह जैसे उनका कॉल आया था मेरे पास कि भाई हम पहुंच गए हैं 4 बजे से सेंटर में, तो मैंने कह दिया था मैं भी आ रहा हूँ, रास्ते में ही हूँ। बीच बीच में उनसे मैं समय समय पर पूछ रहा था भाई अभी भी कोई मिला, कुछ सूचना मिली, 8 बजे तक कोई सूचना नहीं थी। फिर बोले सर अब कोई आएगा। फिर मैंने उनको दोबारा नंबर दिया, एसएम कार उनका, कि भाई नंबर करो। तो एक तो ये है, आज भी उस सेंटर की हालत कि उसके परिवार से 10 लोग वहां आए हुए हैं, उसकी वाइफ, उसके पिताजी, भाई, उसके ताऊ जी गाड़ी लेकर वहां पहुंचे हैं, लेकिन वो श्रीमान जी 8 बजे तक उनसे कोई मिले नहीं। अगर यही कोई अफसर का गेस्ट होता या कोई अफसर के साथ घटना घटी होती, पूरा सेंटर वहां गेट पर खड़ा मिलता। लेकिन ये एक जवान है, किसी को परवाह नहीं कि वो आज जिंदा है भी नहीं भी है, अभी तक किसी को पता नहीं है। लेकिन फिर भी उनके दिमाग पर जो भी नहीं रह गई। फिर मैंने उनको कहा कि इनसे मिलो, इनसे पूछो भाई बंदा कहाँ है, या तो हमारा बंदा बात कराओ। तो उनको गोलमोल जवाब दे दिया गया कि भाई बंदा यहां आया था और हमने उसको यूनिट में भेज दिया। मैंने उनको बोला इनके बोलने से नहीं, या तो इनसे लिखित में लो या इनको बोलो कि हमारे बंदे से बात करा दो, हमें कहीं भी हो, कैसी भी हाल में हो, हमें चाहिए कि हमारा वो जवान ठीक ठाक हो। तो उन्होंने कहा कि सर हम बात कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। बात करते करते ही उनसे क्या बातें हुई हैं, मैं उनसे बीच बीच में पहुंचता भी रहा, उसके बावजूद जितने मेरे संपर्क हैं, आज के दिन इंडियन आर्मी की ऐसी कोई यूनिट या ऐसी जगह नहीं होगी जहां मेरा संपर्क नहीं है। मेरे से जुड़े हुए साथी या उनसे जुड़े हुए साथी, मैंने सबको जितना मेरे से हो सकता है कॉल लगा कर कि भाई नायक योगेंद्र का कुछ पता है, सेवन जाट से भी पता किया, यहाँ तक कि बीच की जो ट्रांजिट कैंप है वहाँ भी कुछ बंदे थे हमारे, वहाँ से भी पता किया, आसपास के और लोगों से भी पता किया,
बोले भाई हमारे से कोई संपर्क नहीं है बंदे का, मेरी तरफ से आज भी वो बंदा ना ट्रांजिट कैंप है ना उनकी यूनिट में है और ना ही अभी तक मेरा कोई संपर्क है मेरी तरफ से उसके साथ कुछ भी हो सकता है कल। और यही मैंने परिवार को कहा कि भैया इनके चक्रों में मत रहो, ये आपको मीठी गोली दे रहे हैं क्यों, मैं जानता हूँ इनको और ये कल जवाब नहीं देंगे। तो फिर भी मैंने उनके परिवार से बोला आप कुछ नहीं करना तो एक वीडियो जरूर बना लेना, क्योंकि वो बीच में जाते तो कह रहे थे कि ये तो यहाँ तो आया नहीं, एक दिन आया था फिर हमने भेज दिया था, लेकिन मेरे पास उसके हर रोज के वीडियो हैं। मैं पहले ही बंदे को कह देता हूँ कि प्रूफ रखना, नहीं तो ये लोग पलटी मारने में नेताओं को भी फेल कर देते हैं, हमारे अधिकारीगण। एक जमाना था कि फौज के अधिकारी की जबान प्रधानमंत्री तक थराते थे, लेकिन अब पलटी मारने में नंबर वन है, मुकर जाएंगे। तो मुझको छोटा छोटा वीडियो बना लो और आपका काम है अगर ये नहीं सुनते हैं तो नजदीकी पुलिस स्टेशन में चले जाओ। मैंने वहाँ जो सदर थाने के जो वहाँ टीम थी उनसे भी बात किया, उनको बताया कि ऐसे ऐसे कहानी है, तो उन्होंने कहा कि परिवार को यहाँ भेज दो और मैंने उनका कहा कि वहाँ चले जाओ, बोले ठीक है ये जा रहे हैं। उन्होंने वीडियो बना के भी भेजा, जा रहे करते रहे, लेकिन कोई ठोस निर्णय पर वो लोग पहुँचे नहीं। तब तक 11 बजे तक वो वहीं बैठे रहे, फिर उन्होंने लास्ट में उनको क्या चीज़ें कर उनको गेट से कि भाई ठीक है अब आप लोग जाओ और इंतज़ार करो, वो हो सकता है फ़ोन उसका जम्मू पहुंचने वाला है या इधर उधर होगा पहुंच जाएगा, चिंता मत करो, ऐसे करके बाहर कर दिया। फिर मैंने उनके वाइफ से बात की, उनको समझाया, भाई को समझाया, फिर बोले जी हमारे उनको समझाओ ससुर जी को, फिर वो थोड़ा सा आवाज़ कम आ रही थी, उनसे भी मैंने उनको भी कहा प्रॉपर जो तरीका है भाई आपका भी संपर्क नहीं हो रहा मेरा भी संपर्क नहीं हो रहा, इसका मतलब कहीं ना कहीं बंदा खतरे में है नहीं है, क्या स्थिति है, आप एक FIR दर्ज कर दो। मेरी जो टीम है दिल्ली में, हमारे वकील हैं जो कंटिन्यू जिनसे हम संपर्क रखते हैं, मैंने उनको भी बताया, उनसे बात हुई, उन्होंने कहा कि भाई हाँ अगर ऐसी स्थिति है तो आप FIR दर्ज कर दो, पुलिस FIR लेगी, नहीं लेती है तो उन्होंने हमें बरेली का भी एक टीम का नंबर दिया कि वहाँ वकील हैं वो आ जाएंगे उनसे करा देना। लेकिन कुदरती वहाँ हमारे एक एक्स सर्विस मैन है जो वहाँ पुलिस में, उन्होंने कहा कि टेंशन मत लो FIR हो जाएगी अब तो आ जाओ। उसके बाद इलाहाबाद में हमारे जो एक फौजी भाई है जितेंद्र जी, उनसे मैंने कहा कि भाई मामला यहाँ का है तो हम इलाहाबाद कोर्ट में इसको दर्ज करेंगे, वहाँ से संपर्क करो। तो वहाँ भी उन्होंने कहा कि भाई यहाँ टीम मिल जाएगी आपको और सोमवार को आकर आप हाई कोर्ट में मुकदमा दर्ज करा दो। और बरेली में भी हमारी टीम है, उन्होंने कहा कि जब पड़ेगी तो वो टीम हम उनके साथ भेज देंगे। मैं बोला कोई बात नहीं, परिवार से बात होने दो। फिर हमारी परिवार से बातें हुई, उनकी बातों से हमारी बातों से वो क्या सहमत होकर लास्ट में उन्होंने यही तय किया कि सर अब ये कह रहे हैं तो हम शाम तक का आज का और वेट कर रहे हैं, आज हम FIR नहीं कराएंगे, उनके परिवार की तरफ से ये कहना था। तो फिर मैंने बोला कि भाई ठीक है आप सोच लो, बोले सर आज का हमें समय और दे दो। तो आज FIR होल्ड कर दी गई है, सारी पुलिस स्टेशन से बात हो चुकी है, वहाँ भी हमारा कोई एक सर्विसमैन है, दिल्ली वकीलों से भी बात हुई है दिल्ली हाईकोर्ट के लिए, अगर चाहेंगे तो दिल्ली हाईकोर्ट, लेकिन उन्होंने ये सलाह दी है इलाहाबाद, तो इलाहाबाद हाईकोर्ट के वकीलों से बात हो गई है, सोमवार को कोर्ट में हम ये चीज़ें दर्ज करेंगे। तब तक उनके आश्वासन पर कि भाई बंदा ट्रांजिट कैंप के थ्रू यूनिट में पहुंच जाता है इस बीच में दो दिन में, तो फिर कह रहे हैं कि हमें खुद शर्म आ रही थी कि हम सेना के इतने अधिकारियों के ऊपर वहाँ FIR करें। मैं कह रहा हूँ कि कोर्ट में हम कई बार गए हैं जाएंगे भी, लेकिन FIR करते हुए हमारा भी दिल का वो कर रहा था, गवाही नहीं दे रहा था, और उनके परिवार ने भी आज के लिए होल्ड किया है, तो आज ये मामला FIR का होल्ड हो गया है। उसके बाद अभी मैंने रास्ते में खाना खाया है और मैंने भी कह दिया कि जब आज नहीं हो रहा है तो आप लोग घर जाओ और मैं भी यहीं से रिटर्न होता हूँ, घर जाऊँगा और शाम को बैठकर एक बार फिर रणनीति होगी। हालांकि उनके आधार के कार्ड की कॉपी वगैरह ये ले लिया है, जट पड़ेगा तो उनके बिनाए भी FIR सिग्नेचर करवा के, वहाँ हमारी टीम का एक बंदा है बोला सिग्नेचर करके दे जाओ, हो जाएगी शाम तक का सोच लो, बंदी की कुछ जानकारी मिल जाती है जैसे बोल रहे हैं तो हम आज वेट कर रहे हैं। आप लोगों को भी सूचना देने जरूरी थी, वरना आप लोग कहते हैं कि भाई रविंद्र फौजी बोल देता है फिर क्या होता है क्या नहीं। उसके अलावा बहुत से साथियों ने कहा था कि सर रिकॉर्डिंग आपने कल दिखाई नहीं, तो वो एडिटिंग में कल रिकॉर्डिंग रह गई थी। उसके अलावा मैंने बता दिया आपको कि मेरे पास SM की, SA की, एडम कर्नल की, डिप्टी साहब की, सब की रिकॉर्डिंग रखी हुई है और धीरे धीरे आज का वेट करके शाम तक का वो रिकॉर्डिंग तो मैं शाम को डालना शुरू कर दूंगा।
अगर शाम तक मेरे को पता चल जाए कि भाई बंदा जम्मू ट्रांजिट कैंप में पहुंच गया, वहाँ मैंने हमारा एक बंदा है जो वहाँ एडम एनशो की ड्यूटी कर रहा है किसी और यूनिट का, उसके नंबर मैंने ले लिए हैं और उसने कह दिया है कि सर फर्स्ट प्रायोरिटी पे मेरा, मैंने बता दिया कि भाई यहाँ नायक योगिंद्र आता है तो आपको तुरंत सूचना मिल जाएगी। उसके अलावा उनके यूनिट से भी संपर्क हो चुका है, वहाँ से भी कुछ बंदों का, क्योंकि मेरे फ़ोन तो उठाते नहीं हैं, सीओ साहब अभी ऐसे हो रखा है बिल्कुल ही, तो उनको बोलते हैं ना कि समय मिलने दो, डोज मिलता है तब आदमी सो जाता है, वो डोज उनको दिया जाएगा। तब तक के लिए मेरे और भी, ये नहीं कि रविंद्र को फोन नहीं उठाओगे तो मेरे पास आज के समय में हजारों आदमियों की टीम है, आप मेरा नहीं उठाओगे, उसका फोन, उसका नहीं तो उसका फोन, हर कड़ी से कड़ी मिली हुई है और वो कड़ियां हमें बताएंगी कि बंदा कहाँ है। हम यही चाहते हैं कि बंदा कहीं भी हो, किसी भी हाल में हो, लेकिन बंदा ठीक रहे, बंदे की जान माल को कोई खतरा ना हो। मैंने कल भी कहा था, आज भी अगर किसी और के पास भी कोई सूचना हो तो आज मैं फिर मेरा नंबर दे रहा हूं, तो भैया हमें सिर्फ इतना बता दो, और अगर ये बंदे तक भी वीडियो पूछता है तो मैं उसको भी कहना चाहता हूं कि डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। मैंने पहले ही कह दिया था कि हम सोमवार में आपको हाई कोर्ट के नोटिस के द्वारा या AFT के, अगर आप खुद आते हो तो AFT के नोटिस से आपको अंदर कर देंगे, अगर आपके साथ कोई दिक्कत आती है, कोई घटना होती है, तो हाई कोर्ट में आपकी वाइफ की तरफ से नोटिस लेके आप अंदर चले जाओगे। लेकिन किसी भी प्रकार की ना तो आपके दिमाग में आपने कोई गलत काम करना है, और ये लोग करेंगे तो फिर ये भुगतेंगे। ये मेरा नंबर है हमेशा की तरह मैं दे रहा हूँ, 8290-35-45-13, ये मेरा व्हाट्सअप कॉलिंग नंबर सब कुछ यही है, आप इस पर मेरे उसकी सूचना दे सकते हो। और उसके अलावा जैसे मैंने ये दिया हुआ है फ़ोनपे और पेटीएम, क्योंकि इन कामों के लिए, चाहे कोर्ट में जाना हो या कहीं आना जाना हो, इन मामलों को हाईलाइट करना हो, या आप कहते हो कि सर इनको घसीटो, तो घसीटने के लिए रविंद्र फौजी भी टाटा बिरला नहीं है, आप तो लोगों की तरफ से सहयोग मिलेगा तो हम इस चीज़ को, और इसके अलावा और भी कुछ केस हमारे पास अभी आए हैं, उन सबको आसानी से उनकी लड़ाई लड़ सकते हैं। और मेन हमारी लड़ाई हमेशा से जो रही है, सहायक प्रथा या ये तानाशाही इनकी, या और भी बहुत से मुद्दे हैं, उनके लिए हम लड़ते रहेंगे। आपको सही लगता है तो वीडियो को शेयर करें, जो डोनेशन कर सकते हैं जितना आपकी क्षमता है उस अनुसार डोनेशन करें, और चैनल आपका है, चैनल से लोगों को जोड़ें, सही लगता है तो जोड़ें, खुद भी जुड़ें, और नहीं लगता है तो इंतजार करें कि कल न आपके साथ, हो सकता है आपके साथ नहीं तो फिर आपके बच्चे, आपके भाई, या वो जाएं वहां और फिर उनके साथ भी इस तरह का हाल हो, फिर खड़काना रविंद्र फौजी सर, तो फिर फ्री होंगे तो फोन उठाएंगे, जो हमारे से जुड़े हुए हैं फर्स्ट प्रायोरिटी उनके लिए है, उनका फोन उठाते हैं, नहीं उठा पाते तो कॉल बैक करते हैं। बाकी जो नहीं जुड़े हुए हैं, कॉल आते हैं उनके, उठाता हूँ, फ्री रहता हूँ उनका भी, लेकिन छूट गया तो फिर कॉल बैक नहीं करता, या जो व्हाट्सएप में मैसेज लिखते हैं, एक चीज़ उनको जरूर कह देता हूँ, बहुत से ऐसे वो मूर्ख हैं या पता नहीं अपने आप को क्या सोचते हैं, व्हाट्सएप पर लिख देते हैं सर मेरे को कॉल करना, अरे भाई आपका काम है तो नंबर आपको दिया हुआ है, आप कॉल करो, व्हाट्सएप में अपनी समस्या लिख दो, आप ये नहीं सोचो कि आप पहले आदमी जो कॉल कर रहे हो, दिन भर में हजारों कॉल आती हैं तो उसमें से हम जितना उठा सकते हैं, हमारे पास कोई टीम नहीं है, मैंने कोई बड़ा ऑफिस नहीं बना रखा, इतना मैं फिर बोल दिया कि मैं टाटा बिड़ला नहीं हूँ, मेरे जो भाइयों का कुछ डोनेशन आता है, कुछ मैं ये अपनी तरफ से लगाकर इस चैनल के लिए और इस टीम को लेकर जो चल रहे हैं, वो उतना ही जितना हमारे से हो रहा है उतना ही कर पा रहे हैं। आपको चाहिए कि भाई प्रॉपर टीम हो, 24 घंटे फोन अटेंड करने वाला हो, तो फिर हर महीने इसमें ठीक ठाक डोनेशन करो, ताकि मैं एक बंदा 24 घंटे के लिए कॉल के लिए बैठा दूं, जो आपकी बैठे समस्या भी लिखे और उसका प्रदान भी हो। और नहीं तो फिर इस तरह मत लिखो, अपनी समस्या हो तब तो सर फोन नहीं उठाते, और कोशिश करें छोटी छोटी जो अपनी घरेलू समस्या ना, मेरे चाचा जी से झगड़ा है, मेरे ताया जी से झगड़ा है, पड़ोसी से झगड़ा है, कोशिश करो इनको खुद निपटाने की। हमारे को जो बड़ी समस्या है, जो सेना के अंदर आ रही है, चाहे सहायक प्रथा हो या कोई और चीजें हैं, उनके लिए लड़ाई के लिए हमें समय दो, या चाहते हो कि हाँ किसी दूसरे की मदद करें उसके लिए सलाह दो। हम किसी इंडिविजुअल से, जब खुद का काम होता है तो उस इंडिविजुअल से नहीं कहते कि तू ये कर, नहीं, जब किसी की मदद आती है तब आप करना कि हाँ सर मैं उसकी मदद कर रहा हूँ। जिस दिन आपका नंबर आएगा फिर आपकी भी मदद होगी। वीडियो देखें और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और इस वीडियो के माध्यम से फिर कह रहा हूँ उन अधिकारियों को, अभी भी समय है, जाग जाओ, आप लोग
कोशिश कर लो उस बंदा कहाँ है, क्या है, सही है नहीं है, ढूंढ कर फिट फोर है तो उसको अपने अंडर ले लो। ऐसा ना हो कि याद होगा आपको 17 जाट का केस, कोर्ट में एक ही FIR हुई थी, एक ही रिट डाली थी हमने उस बंदे की गुमशुदा की, और पूरी 17 जाट एक महीने तक चक्कर काटते रही थी और फिर बंदे को ढूंढ कर लेके आई थी, और फिर रोज बोलते थे भाई राजीनामा करवा दें। मैं भी नहीं चाहता कि आप हाथ जोड़ें, हम हाथ जोड़ेंगे आपके सामने, आप हमारे सीनियर हो, लेकिन आप कभी कभी अपनी ड्यूटियों से भटक जाते हो, अपना काम नहीं करते हो, तब हमें ये चीज़ें करनी पड़ती है। वीडियो देखें और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आज इस वीडियो के जरिए मैं हमारे सीनियर अधिकारी, चाहे इसमें इन्वॉल्व जो CO साहब हैं, कमांडर साहब हैं, डिप्टी साहब हैं, या हमारे SA सीनियर JCO या सुबदार मेजर साहब हैं, उन सबसे कहना चाहता हूँ, आज जो FIR होनी थी होल्ड हो गई है, लेकिन ये है कि ये नहीं सोचना कि होगी नहीं, जरूर होगी। सोमवार को कोर्ट के माध्यम से हमने वकीलों से बात हो रही है, कोर्ट में केस होगा, फिर आप लोग चक्कर काटोगे। याद कर लेना जैसे 17 जाट का केस हुआ था, दिल्ली हाई कोर्ट में रिट लगी थी बंदे की गुमशुदा की, एक महीने तक रेजिमेंट का नॉर्थ गुम हो गया था, कभी कहीं उस बंदे को ढूंढते ढोले थे, पर फिर वो CO साहब और सारे बोलते थे राजीनामा करा दो, हाथ जोड़ते थे। तो हम नहीं चाहते कि हमारे आगे सीनियर हाथ जोड़े, हम आप लोगों को हाथ जोड़ रहे हैं, आप हमारे सीनियर हो, आप अपनी ड्यूटी निभाओ, अपने कर्तव्य का पालन करो, जो कुर्सी आपको जवानों के वेलफेयर के लिए दी गई है उस पर काम करें, ना कि अपने वेलफेयर के लिए जवानों का दुरुपयोग करें। मैं नहीं चाहता कि कोई सीनियर हमसे रिक्वेस्ट करे, हमसे रिक्वेस्ट करके एक बार नहीं, मैं तो अभी भी आपको जिससे भी हाथ जोड़कर 100 बार प्रार्थना कर सकता हूं अपने जवानों के लिए, लेकिन जब गांठ फंसती है और मामला कोर्ट तक पहुंच जाता है फिर आप हाथ जोड़ते हो, वो हमें अच्छा नहीं लगता। आज मैं बता रहा हूं कहानी क्या है और क्या नहीं। इतना फिर कहना चाहूंगा हमारे जवान भाइयों से कि अफसर अफसर हमेशा एक होते हैं और ये एक दूसरे की मदद करते हैं, लेकिन हमारा जवान कोई फंसता है तो हमारे जवान आज, हाँ इतनी मुझे खुशी है कि आज हम गए तो वहाँ पुलिस स्टेशन में वहाँ हमारा एक एक्स आर्मी का जवान मिला, उसने हमारी खूब मतलब बढ़िया मदद की, सिर्फ फौजी होने के नाते। दूसरा हमारे एक वहाँ जितेंद्र जी है, उन्होंने भी एक टीम को बता दिया था कि जरूरत पड़ेगी तो वो हमारी पुरुष सैनिक संगठन की टीम है, 10-20-50 आदमी चाहिए तो वहाँ आ जाएंगे, अगर धरना देना पड़ा JRC का आगे तो वो भी दे देंगे। उसके अलावा जो कड़ियाँ मिली हुई हैं, जहाँ जहाँ हमारे सैनिक भाइयों के द्वारा हमारी मदद हुई बहुत बढ़िया तरीके से हुई, लेकिन इस मदद को थोड़ा सा बड़े रूप में रखो, क्योंकि ये घटना आज नायक योगेंद्र के साथ हो रही है, या जैसे वो आसाम राइफल के जवान के साथ हुई है, और भी जवानों के साथ जो बड़ी चीज़ें हो रही हैं वो कल आपके साथ भी हो सकती हैं। हो सकता है आप रिटायर हो गए, आपका बच्चा जाएगा उसके साथ होगी, आपके भाई के साथ होगी, ये नहीं सोचना कि अब मैं आ गया मेरे को क्या लेना है, वहाँ आपके और हमारे ही बच्चे जाएंगे, और ये जो गुलामी का सिस्टम है ना हम मिलकर ख़त्म कर सकते हैं। आप छोटी छोटी चीज़ों के लिए कॉल करते हो, हम चाहते हैं कि वो छोटी छोटी चीज़ों को छोड़कर इन बड़ी समस्याओं पर ध्यान दें, और चाहे वो सहायक प्रथा के मुद्दे हों, कुत्ते घुमाने वाले, घरेलू काम वाले, या फालतू में 10 नंबर भरकर सूखा घर भेजना, अफसरों की तानाशाही के खिलाफ हम लड़ रहे हैं। अगर इस मुहिम में आप हमारा साथ देना चाहते हो तो ये चैनल आपका है, चैनल से जुड़े और लोगों को जोड़ें, और सबसे बड़ी बात इन चीज़ों के लिए फिर कहता हूँ कि बार बार जब तन मन धन की आवश्यकता पड़ती है तो धन का नाम सुनते ही वीडियो यहाँ से छोड़ देते हैं, तो वीडियो न छोड़ें, वीडियो को पूरा देखें, हो सकता है आप मदद नहीं कर सकते, कोई दूसरा भाई मदद करेगा, वीडियो देखकर शेयर जरूर कर दें। अगर हो सकता है कि आपको लगता है कि भाई हाँ हमें आज इस चैनल की मदद करनी चाहिए, इन भाइयों की मदद होगी तो कल जब आपकी भी बारी आएगी तो कोई आपकी भी मदद करेगा, ठीक है। ये मेरा नंबर है 82-90-35-45-13, मेरा कॉलिंग, व्हाट्सअप, फ़ोनपे सभी इसी नंबर पर है। फॉलिंग इसलिए कि कहीं भी अभी तक नायक योगेंद्र की कोई सूचना हमारे पास नहीं आई है, अगर कोई आपके पास सूचना हो तो इस नंबर तक ज़रूर भेज दें, व्हाट्सअप कर दें, और फ़ोनपे और पेटीएम इसलिए कि इन चीज़ों के लिए कहाँ से कहाँ जाना, चीज़ों को हाईलाइट करना, या और बहुत से काम हमारे पास आ रहे हैं उनके लिए तन मन धन की आवश्यकता होती है, तो आपका भाई
रविंद्र फौजी इतना बड़ा टाटा बिड़ला नहीं है कि वो अकेला सब कुछ करें। आप लोगों की छोटी छोटी मदद आप महीने दो महीने में जो भी कर सकते हो करते रहो, ताकि भविष्य में आपके लिए भी कोई लड़ाई लड़ सके। आप ये घटनाएं ना होंगी तो हमारे जवान तंग ना होंगे। वीडियो देखो, शेयर करें। जय हिंद।